आखिर इन देशों में स्कूल प्रोडक्ट्स इतने अलग क्यों है? एक ऐसा गेम जिसे खेलने से आपकी मौत भी हो सकती है, और कैसे उल्टा चलने से आपके सिक्स पैक एब्स बन सकते हैं, और इरेजर के इस ब्लू वाले पार्ट का क्या यूज होता है? एक ऐसा बेड जो आपकी जान बचा सकता है, और एक ऐसा सिटी जो सिर्फ 2 महीने में ही गायब होने वाली है। दोस्तों, ये वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, इसलिए मैं इस वीडियो पे 100 लाख का टारगेट रखता हूँ। देखते आप लोग कर पाते हो या नहीं। फैक्ट नंबर 15, अगर कोई आपको गहरी नींद से उठा दे तो आप उस पर केस भी कर सकते हो। जी हाँ, इंडिया में एक ऐसा लॉ भी है जिसके हिसाब से अगर कोई आपको बेवजह नींद से उठा देता है तो आप उस पर केस भी कर सकते हो, क्योंकि राइट टू स्लीप को एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट माना गया है, जो कि आर्टिकल 21 में बताया गया है। फैक्ट नंबर 14, हवाई हो तो यूएसए का, लेकिन ये अब जापान शिफ्ट होने वाला है। अब आप बोलोगे कैसे? दरअसल हर साल हवाई 4 इंच जापान की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हवाई एक आइसलैंड देश है, जिस वजह से ये मूव ऑन हो रहा है। ये इतने ज्यादा धीरे मूव होता है कि किसी को पता ही नहीं चलता, लेकिन कुछ सालों में ये काफी नोटिसेबल हो जाएगा, क्योंकि ये हर साल 4 इंच बढ़ता जा रहा है। और ऐसा ही अगर ये बढ़ता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये आइसलैंड जापान पहुंच जाएगा। फैक्ट नंबर 13, नॉर्वे में एक सिटी का नाम है हेल। हाँ भाई, इन्होंने सिटी का नाम ही नरक रख दिया, यानी कि अब आप जिंदा ही नरक जा सकते हो। और ये एक लौता ऐसा सिटी नहीं है, नॉर्वे में और भी कई सारी सिटी है जिनका नाम काफी अजीब होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सिटी है जिसका नाम है राइवा, जिसका मतलब होता है बट, और यहाँ एक सिटी का नाम है ए। आपने सही सुना, बस इतना ही है, और इसे जानबूझकर ऐसा रखा गया है ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके, यानी ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। फैक्ट नंबर 12, अगर आप भी अपने या किसी और के फार्ट करने से परेशान हो तो बीन्स, कॉलीफ्लावर, कैबेज और मिल्क जैसी चीजें खाना छोड़ दो, क्योंकि ये फूडी आपके फार्ट करने की वजह बनते हैं। तो अगर आप ये चीजें छोड़ देते हो तो आपके पटाखे फूटना बंद हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 11, इरेजर हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों के दिमाग में इरेजर से रिलेटेड काफी सवाल है, जैसे कि ये ब्लू और रेड इरेजर आखिर किस काम में आते हैं, और क्या ये पेन के इंक को मिटा सकती है। इरेजर का इन्वेंशन 1770 में हुआ था, जिसे एडवर्ड नेमिन नाम के एक शख्स ने बनाया था, जिसके बाद ये इरेजर काफी पॉपुलर हो गई थी। इस इरेजर के रेड पार्ट का यूज पेंसिल के ग्रेफाइट को प्लेन पेपर में मिटाने के लिए यूज किया जाता है, वहीं इसका ब्लू पार्ट स्ट्रॉन्ग पेंसिल को थोड़े खुरदरे पेपर पर इरेज करने के लिए किया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये ब्लू पार्ट इंक को मिटाने के लिए यूज किया जाता है, तो वे लोग कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि ऐसा भी इरेजर है जिसके ब्लू पार्ट को इंक मिटाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन सिर्फ वही इरेजर ही इंक को मिटा सकती है जिसके ऊपर पेन का लोगो छपा हो। फैक्ट नंबर 10, रशिया में एक शो है जिसमें आपको गाड़ी चुरानी होती है। आपको किसी भी कंपनी की गाड़ी कहीं से भी चुरानी होती है, और उसके बाद आपको 35 मिनट तक पुलिस से बचना होता है। अगर आप बच जाते हो तो आपको वो कार विनिंग प्राइस में दे दी जाएगी, और कार के पैसे शो वाले देंगे, और अगर आप पुलिस से पकड़े जाते हो तो आपको जेल हो जाएगी। हालांकि कुछ दिनों बाद आपको शो वाले ही बेल दिला देंगे। फैक्ट नंबर 9, ये अर्थक्वेक बेड जिसने भी बनाया है वो सच में जीनियस था, क्योंकि जैसे ही अर्थक्वेक आता है तो इस बेड के सेंसर्स उसे डिटेक्ट कर लेते हैं, और इस पे सोने वाले इंसान को बेड के अंदर ले जाते हैं, जो पूरी तरह से स्टील से बना हुआ है, और इमरजेंसी के लिए इसके अंदर मेडिकल सप्लाई, खाना पानी और फायर फाइटिंग टूल भी रखे गए हैं। और अगर आपको ऑक्सीजन की चिंता हो रही है तो इस बेड के साइड में ये वेंट्स भी लगी हुई है, जिससे आप ऑक्सीजन भी ले सकते हो। इस बेड का मैकेनिज्म एक्टिव होते ही ये अपनी लोकेशन भेज देता है, जिससे रेस्क्यू टीम जल्द से जल्द इसे ढूंढ सके। फैक्ट नंबर 8, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल गेम स्ट्रेस बढ़ा के आपकी जान तक ले सकता है। मारियो कार्ट दुनिया के सबसे सक्सेसफुल रेसिंग गेम है, जिसने 178 मिलियन कॉपीज बेची है। लेकिन सबसे सक्सेसफुल होने के साथ ही ये दुनिया के सबसे स्ट्रेसफुल गेम भी है, क्योंकि एक स्टडी में पता चला है कि इसे खेलने के बाद प्लेयर्स का हार्ट रेट 33% तक बढ़ जाता है, जो कि कोई अच्छी बात नहीं है। और आपने भी देखा होगा, जैसे आप इस गेम में आगे बढ़ते जाते हो तो ये फास्ट भी होते जाता है, और आप ज्यादा अलर्ट भी हो जाते हो, और अलर्ट के साथ साथ आपको डर भी लगता है कि कहीं आप आउट ना हो जाओ, और इससे आपका हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फैक्ट नंबर 7, ये पूरा का पूरा सिटी 2 महीने में गायब होने वाला है। ये है आई सिटी, ये किसी फैंटेसी मूवी से कम नहीं है। चाइना के हार्डिन में इस बहुत ज्यादा खूबसूरत जगह को आई सिटी के नाम से जाना जाता है, जिसे 500 मिलियन डॉलर की लागत से बनाया गया था, जो इंडिया के करीब 4000 करोड़ रुपए होते हैं। लेकिन ये सिटी सिर्फ 2 महीने तक ही रहती है, जिसके बाद ये पिघलना शुरू कर देती है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है आप जो सॉस खा रहे हो वो बर्गर पकौड़े से खाने के लिए नहीं बनी थी, वो तो डोलो 650 जैसे टैबलेट थी। दरअसल 1830 में ओहायो के एक फिजिशियन जॉन कुक ने इसे इंडाइजेशन की बीमारी को क्योर करने के लिए बनाया था, लेकिन अब इसे मस्त चटनी के तौर पर खाया जाता है। फैक्ट नंबर 5, साउथ कोरिया में नवंबर में एक दिन ऐसा होता है एग्जाम से कुछ दिन पहले का, जिस दिन पूरा देश ऑलमोस्ट बंद रहता है, सारे कंस्ट्रक्शन कामों को रोक दिया जाता है, बैंक भी बंद होते हैं और सारे जॉब्स की छुट्टी होती है।
इवन मिलिट्री ट्रेनिंग भी उस दिन बंद रहती है ताकि बच्चों को एकदम शांत माहौल मिल सके और वह अपनी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए तैयार हो सके। इस दिन को वहाँ सुनोयोंग कहा जाता है। फैक्ट नंबर 4, इस फैक्ट को ध्यान से सुनना क्योंकि हो सकता है आप भी इसमें शामिल हो। इस दुनिया में जितने भी कार्स बनाई जाती है उनमें से 230 कारों में से एक कार चोरी हो जाती है। फैक्ट नंबर 3, आप लोगों को उनके बर्थडे पर क्या गिफ्ट करते हो? या तो एक कार, कपड़े या बहुत अच्छी अच्छी चीजें। लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ पर टॉयलेट पेपर बहुत अच्छा गिफ्ट माना जाता है, वो जगह है साउथ कोरिया और चाइना। ये उनके बेस्ट गिफ्ट में से एक माना जाता है क्योंकि ऐसा करने से वे सामने वाले को अच्छी हेल्थ के लिए विश करते हैं। फैक्ट नंबर 2, आखिर कैसे उल्टा चलने से आपके सिक्स पैक एब्स बन सकते हैं? जब आप किसी तरह के वॉक करते हो तो हमारी कैलोरी बर्न होती है जिससे हमारी बॉडी का फैट कम होता है और हमारे मसल्स दिखने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो जब आप उल्टा चलते हो तो मसल्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है जिसकी वजह से ज्यादा कैलोरी बर्न होती है और आपका फैट इस तरह से बहुत जल्दी कम हो सकता है। लेकिन ऐसा करने के चक्कर में कहीं गिर मत जाना। फैक्ट नंबर 1, यार ये बात तो सच है कि डिफरेंट कंट्रीज की स्कूल लाइफ काफी अलग होती है और उनके रूल्स एंड रेगुलेशन भी अलग अलग होते हैं। लेकिन उसी के साथ बच्चों के स्कूल प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट होते हैं। जैसे आपको पेपर होल्ड करने वाले ये पिंस तो पता ही होंगे, इंडिया में ये नॉर्मल होते हैं लेकिन जापान में ये काफी अलग होती है। जैसे कि इस टॉर्टोइस को ही देख लो, इसी के साथ और भी अलग अलग शेप के पिंस वहाँ लोग यूज करते हैं क्योंकि वहाँ पर लोगों को फैंसी चीजें बहुत पसंद है। जैसे इस इरेजर को भी देख लो जो कि बिल्कुल डोनट्स की तरह लग रहा है लेकिन एक्चुअल में ये एक इरेजर है। यहाँ पर ऐसे ही इरेजर ज्यादातर यूज किए जाते हैं और वहाँ के बड़े बच्चे जो पेन यूज करते हैं उन्हें इस तरह का व्हाइट आउट इरेजर लेकर आने के लिए कहा जाता है ताकि मिस्टेक होने पर भी वे कट न मारे बल्कि इसके जरिए उसे साफ करे। पर इंडिया में लोग कुछ भी यूज करते हैं और सबसे बड़ा डिफरेंस तो बैग का है। वहाँ पर ज्यादातर बच्चे अपने बैग में पावर बैंक या फिर उनके बैग से ही अटैच पावर बैंक होता है क्योंकि वहाँ पर बच्चे पढ़ाई के लिए कई बार लैपटॉप और फोन का यूज करते हैं जिस वजह से उन्हें पावर बैंक की जरूरत पड़ती है।